अच्छा अनुकूल वातावरण है। 80 के 80 100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। टारगेट सेट है, रणनीति तय है, बस सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला बाकी है। खबर है बीजेपी लीडरशिप सहयोगियों के साथ लगातार टच में है, बातचीत भी आखिरी चरण में है। माना जा रहा है यूपी में बीजेपी सहयोगियों के लिए 6 सीटें छोड़ सकती है। अपना दल एस के लिए 2 लोकसभा सीट, जयंत चौधरी की आरएलडी को भी 2 सीटें मिल सकती है, वहीं एसपीएसपी और निषाद पार्टी को 1-1 सीट मिल सकती है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि सहयोगियों के लिए बीजेपी कौन कौन सी सीट छोड़ेगी। सबसे ज्यादा सस्पेंस आरएलडी के खाते में आने वाली 2 सीटों को लेकर है। दरअसल शुरुआत से ही आरएलडी खेमा बागपत के साथ मथुरा लोकसभा सीट की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी दोनों सीटें आरएलडी को देने को तैयार नहीं, जबकि आरएलडी बागपत सीट पर दावा छोड़ना नहीं चाहती। जबकि 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सत्यपाल सिंह बागपत से सांसद चुने गए थे, लिहाजा सीट बंटवारे पर पेच अभी फंसा हुआ है। खबर है कि बीजेपी मथुरा या बागपत में से कोई एक सीट आरएलडी को दे सकती है, जबकि दूसरी बिजनौर लोकसभा सीट हो सकती है। हालांकि माना यह जा रहा है कि सीटों को लेकर जो भी पेच हैं, अगले 1-2 दिन में बीजेपी और आरएलडी सुलझा लेंगे और सीटों का ऐलान भी कर देंगे। रही बात अपना दल सोनेलाल सुभाषपा और निषाद पार्टी की, कमोबेश सीटें तय मानी जा रही हैं। 2019 में अपना दल एस ने सोनभद्र और मिर्जापुर सीट पर चुनाव लड़ा था, इस बार भी इन्हीं सीटों पर अपना दल एस चुनाव लड़ सकती है। 2019 में निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद ने संत कबीर नगर से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, ये सीट एक बार फिर निषाद पार्टी को मिल सकती है। हालांकि इस बार सिंबल बीजेपी का होगा या फिर निषाद पार्टी का, ये अभी तय नहीं। ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी को घोसी या फिर गाजीपुर सीट मिल सकती है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी अभियान की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज कर दी है, साथ ही यूपी मंत्रिमंडल में सहयोगियों को जगह देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सुबह के वक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये तय माना जा रहा है कि 10 मार्च तक यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एनडीए में शामिल हुए आरएलडी कोटे से एक मंत्री बन सकता है, ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी से 2-3 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर बीजेपी जीत की हर एक संभावना पर पकड़ मजबूत कर लेना चाहती है, जिस पर समाजवादी पार्टी का तंज चुभने वाला है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव का दावा अपनी जगह पर, यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है।